हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजना। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पुरानी हमारे पास पैड शीट्स होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको हम रीयूज करने के काफ़ी आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पुरानी बेडशीट ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी पुरानी है और इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो बिल्कुल फेडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा घिस गया है। और जो साइडें हैं इसकी, जो चारों साइड होती हैं नीचे वाली, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनका कलर भी बिल्कुल ठीक है, मतलब फेड नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और जो इसका कपड़ा है वो भी थिक है, यानी कि मजबूत है, घिसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो काफ़ी है। तो अभी मैं इसके साथ कुछ DIY करूँगी, और जो कि एक पुरानी बेडशीट से हम कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाएंगे। तो मैं आपको ये बिछाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं कि जो साइड्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो काफ़ी ठीक ठाक हैं और ना ही फेड हो रही हैं, कपड़ा भी ठीक है उसका। और चारों साइड से मैं आपको ये दिखा पा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो जो बीच वाला जहाँ हम बैठते हैं वो हिस्सा मतलब लाइट हो जाता है, फेड हो जाता है, घिस जाता है। तो जो साइडें होती हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती हैं। तो चलिए हम इससे कुछ आज बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं ये बीच में फटी हुई भी है थोड़ी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जो साइड्स हैं उनको हमें कट करना है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वहीं से आप कट करें जहां तक घिसा हुआ है, वहां तक बिल्कुल भी ना करें। जहां से बिल्कुल ठीक ठीक है वहां से हमें कट करना है। तो मैंने वही हिस्सा लिया है जो बिल्कुल ठीक था, यानी कि घिसा हुआ हिस्सा हमें नहीं लेना। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल बराबर से इसे पूरा लंबाई में हम इसे निकाल लेंगे। तो एक साइड से मैंने ये पूरा लेंथ में निकाल लिया है बेडशीट से। ये देखिए काफ़ी लेंथ है इसकी। और सेम वैसे ही हमें दूसरी साइड्स भी ऐसे ही निकालनी है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे, ये भी हमने निकाल लिया है। और उसके बाद जो बचा हुआ बेडशीट का हिस्सा है तो उसकी दो साइडें हमने निकाल ली हैं और दो साइडें अभी और भी बची हुई हैं जो कि लेंथ में अभी थोड़ी कम है। तो उसे भी हम निकाल लेंगे और सेम उतना ही निकालना है जितना हमने पहली साइड में से कपड़ा निकाला था, चौड़ाई हमें उतनी ही निकालनी है। तो ये भी, ये देख सकते हैं, ये भी मैंने निकाल लिया है। और अब उसके बाद क्या करना है, जो हमने लंबी पट्टियाँ निकाली थी, यानी कि जो लेंथ हमने निकाली थी पूरी, वो हमें लेनी है। और इसका जो सिलाई वाला, यानी कि जो नीचे वाला बिल्कुल एजेस होते हैं उस पे सिलाई लगी हुई है, वो हमें हिस्सा नहीं लेना है। हमें वो लेना है जहाँ से हमने कट किया था। तो ये देखिए, मैंने वही हिस्सा लिया है और यहाँ से मैं एक शेप दूंगी इसको इस तरीके से, राउंड राउंड इस तरीके से हमें एक शेप देनी है इसको। और शेप आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल बराबर देनी है इस तरीके से, पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद सभी पे मैं इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर से ड्रॉ कर लूँगी। या फिर आप एक, सिर्फ एक ड्रॉ कर लीजिए, उसे कट करके आप बाकी हिस्से आप उसी के बराबर कट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो उसके बाद अब एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि मैंने कट भी कर लिया है। अब मुझे बिल्कुल सेम और इक्वल साइज़ के चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से ऊपर नीचे से बराबर से इसको पकड़ूँगी कपड़े को, और इस तरीके से रख कर एक एक करके मैं सभी को बराबर कट करूँगी, यानी कि बिल्कुल भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर कट करना है। तो ये देखिए, मैंने रख लिया है इसको और अब उसके बाद मैं सभी की मतलब कटिंग कर दूंगी, जितने भी ये पीसेस हैं, तीन चार जो भी हैं, सभी को मैंने बराबर से कट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप,
और मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तो इस तरीके से हमने ये शेप निकाली है इसकी। और अब क्या करना है, जो ये नीचे वाला हमने कटिंग किया है इसको हमें थोड़ा थोड़ा अंदर के साइड इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पे मतलब इसे सिलना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई भी लगा दी है इस पे। और अब ये हमने अपने सोफे पर सोफे का कवर बना दिया है इसका, ये देख सकते हैं आप। और इसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये, और वो भी हमने पुरानी बेडशीट से इसे बनाया है। और जो हमने शेप बनाई है वो भी आप देख सकते हैं ऊपर वाले कवर पर। अगर आप चाहे तो नीचे वाले पर भी ऐसी ही शेप बना सकते हैं, बट मैंने सिर्फ एक ही साइड यानी कि ऊपर के साइड इसे बनाया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर सा हमारा कवर बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास 3 सीटर सोफ़ा है तो आप इजीली इसको पूरा कवर कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इसकी सीट भी चौड़ी है और ये काफ़ी बड़ा है, तो पीछे के साइड मैंने दूसरा वाला हिस्सा लिया है। तो इस तरीके से आप अपने सोफ़े को कवर कर सकते हैं और सोफ़े के कवर बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैंने लिया है, और उससे हम इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है डबल, और मैंने लिया है एक कुशन कवर। और अब मैं इसे मार्क कर लूँगी कुशन कवर को रखकर। तो मैंने मार्क कर लिया है, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और अब क्या करना है, इस कपड़े को हमें उल्टा करना है इस तरीके से, और एक साइड इसमें बंद है आप देख सकते हैं ऊपर वाली, और ये दो साइडें हमें सिर्फ सिलाई लगानी है, एक साइड ओपन रहेगी। तो मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं सिलाई हमने इसमें लगा ली है, और अब इसे हम सीधा करते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको जो कुशन है इसके अंदर डालती हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये कुशन कवर बन गया है, और मैंने इसमें से 2 कुशन कवर बना लिए हैं, 2 कुशन कवर बनके तैयार हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे, इनकी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए सिलाई भी मैंने कर दी है, और इस तरीके से हमारे 2 कुशन कवर बन गए हैं, या कुशन का अंदर वाला हिस्सा भी आप इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसे रख कर दिखाती हूँ, और ये 2 साइड है यानी कि एक साइड से दूसरा डिजाइन है, दूसरी साइड दूसरा है, तो आप किधर भी साइड से इसे रख सकते हैं। ये देखिए ये हमारी चेयर के साथ भी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुशन कवर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास सिर्फ बची हुई ये पट्टियां हैं, तो 2 पट्टियां हैं जिनमें से ये जो चौड़ी वाली है इसे हम निकाल लेंगे, और पतली वाली जो पट्टी है उसे कट करके साइड कर देंगे। तो एक मैंने निकाल लिया, सेम वैसे ही दूसरे में से भी उसे पतली वाली को कट कर देंगे। तो अभी मैं एक लेती हूँ, एक पट्टी ली है मैंने, और एक को अभी रख देते हैं। तो उसे हम डबल मतलब फोल्ड कर लेंगे, डबल कर लेंगे इस तरीके से। और अब मुझे सीजर की हेल्प से यहाँ पे पतली पतली पट्टियाँ कट करनी है, और पट्टियों को ऊपर तक कट हम नहीं करेंगे, हमें ऊपर के साइड 1 इंच के करीब छोड़ना है, सिर्फ नीचे नीचे हमें इसे पट्टियों को कट करना है, ऊपर हमें 1 इंच के करीब पट्टी रहने देनी है। तो इस तरीके से हम पूरा इसे पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे पूरा कट कर लिया है, और इसके बाद अब इसे सिंगल कर लेते हैं। तो ये मैंने सिंगल कर लिया है,
और यहाँ पर मैंने एक स्टिक ली है और एक कोई भी धागा ले लीजिए या इस तरीके का कोई रस्सी ले लीजिए। तो मैंने अब क्या करना है, इस पे जो हमने ऊपर हिस्सा छोड़ा था ना 1 इंच के करीब, उसे इस पे लपेटना है इस तरीके से। तो इस तरीके से राउंड राउंड इसको पूरा कवर करना है बस। और इसके बाद अब इस पे कोई मतलब धागा बांध दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। तो मैं यहाँ पे ये बांध रही हूँ, इसे टाइट बांध दीजिए, इसमें गांठ लगा दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। तो बस ये हमारा छोटा सा एक डस्टर बनके तैयार है, जिससे कि आप अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, उन्हें आप क्लीन कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप इसे इजीली डस्टिंग कर सकते हैं। काफ़ी लाइट है और जो ये ऐसी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो डस्टिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो ये छोटा सा हमारा डस्टर बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।